लखनऊ से हूँ और लखनऊ आर्ट्स कॉलेज से मैंने कमर्शियल आर्ट किया है। ये 5 साल कोर्स होता है कमर्शियल आर्ट का, जिसमें हम एडवर्टाइजिंग और डिज़ाइन वगैरह सीखते हैं, फाइन आर्ट्स वगैरह। तो फादर सर्विस में थे और मैं सबसे बड़ा था, तो मैं ही था जो थोड़ा सा इसमें अपना क्रिएटिव कामों में लगा रहता था, फिल्में देखना, फिल्में बनाने की सोचना, नाटक करना, प्लेस करना, इस तरह से एक क्रिएटिव एक झुकाव था चीज़ों को लेके। तो आर्ट्स कॉलेज ज्वाइन भी इसीलिए किया था कि मैं, चलो एक प्लेटफॉर्म है वो क्रिएटिविटी का, क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं या वहाँ जाना चाहिए। एक फॉर्मेशन नहीं था कि जो करना चाहता हूँ उसका एक फॉर्मेशन नहीं था कि भाई जो करना वो कैसे करना है। तो आर्ट्स कॉलेज सही लगा मुझे। मेरे अंकल थे जो मतलब हमारे ख़ानदान में, घर में क्रिएटिविटी के मतलब हेड कहे जाते हैं, वो उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ ज्वाइन करो। तो उनके कहने पे मैंने वो ज्वाइन किया और एक उन्होंने एक रास्ता बनाया मेरे लिए कि चलो भाई ऐसे जाओ। तो 5 साल आर्ट्स कॉलेज में रहा मैं, वहाँ पे जो सीख सकता था सीखा, समझा और कैसे चीज़ें होती हैं फाइन आर्ट्स की, क्रिएटिविटी की, आर्ट्स की, वो सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो फिल्म का उससे कोई लेना देना नहीं था, वो एक चीज़ें थी जो आपकी पर्सनालिटी, आपके माइंड के लिए ठीक थी, क्योंकि आपको एक माहौल मिला था वहाँ पे, एक इंडिपेंडेंट माहौल मिला था, कोविड था, वो लड़के लड़कियाँ साथ में पढ़ते थे, तो एक नई तरह की दुनिया थी, वो एक नए तरह का माहौल था। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा वहाँ पे पढ़ने का। उसके बाद जब कॉलेज कोर्स कंप्लीट हुआ तो फिर मैं मार्केट में काम करना शुरू किया लखनऊ में ही, अपना एज अ डिज़ाइनर, कमर्शियल डिज़ाइनर। तो वो जॉब करना शुरू किया मैंने वहाँ पे, तो वहाँ कुछ और लोगों से मुलाकात हुई, एक ग्रुप बनना शुरू हुआ, टीम बननी शुरू हुई। तो जब वो लोग मिल गए टीम में, थोड़ा फिल्मी टाइप के लोग मिल गए, तो चीज़ें करनी शुरू करी कि चलो भाई अब कुछ फिल्मी दुनिया में कुछ करना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए। तो हम लोगों ने नाटक, थिएटर वगैरह करने शुरू किए, वो काफ़ी पॉपुलर रहे, अच्छे नाटक बनाए, काफ़ी अच्छे एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करी, अच्छे रहे, काफ़ी अच्छी उसकी ब्रांडिंग करी मैंने, क्योंकि चूँकि पोस्टर्स वगैरह मैं खुद ही डिज़ाइन करता था, तो नाटकों के पोस्टर्स मैंने बनाने शुरू किए अपने खुद के नाटक के। तो उसकी जो पिक्चर बनी लखनऊ में, जो एक सीन बना कि भाई ये नाटक किस टाइप के हैं, कि फिल्म टाइप के लग रहे हैं, तो बड़ा उसका चर्चा हुई शहर में, तो बड़े हिट रहे दोनों नाटक। तो उससे काफ़ी हिम्मत मिली मुझे कि चलो यार मैं सही जा रहा हूँ, कुछ और करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक सीरियल उठाया कि भाई सीरियल करते हैं, काफ़ी उसके ऑडिशंस वगैरह हुए, चीज़ें आगे बढ़ी, सब हुआ। लेकिन अब लोकल लेवल पे जितनी चीज़ें आप कर सकते थे वो हो गई थी, उसके बाद फिर एक लेवल था सेचुरेशन का कि उससे ज़्यादा फिर हो नहीं पा रही थी चीज़ें। तो फिर एक पॉइंट पे आके लगा कि नहीं यार, अब ये इससे चीज़ें आगे करनी है तो आपको फिर मुंबई जाना पड़ेगा। तो मुंबई आने का प्लान किया। अच्छा, मुंबई आना इतना आसान नहीं था, क्योंकि लखनऊ में अपना एक अच्छा खासा जमा हुआ बिजनेस था पार्टनर्स के साथ मेरे, और मुंबई एकदम एक ब्लैंक जगह थी मेरे लिए, एक नई जगह थी। बहुत बड़ा एक डिसीजन था कि जमा जमाए बिजनेस छोड़ के यहाँ पे आना नए शहर में कैसा रहेगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर थी कि अगर मुझे जो मैं सोच रहा हूँ फिल्म लाइन का या फिल्म बनाने का मैं सोच रहा हूँ, तो मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज़ें लखनऊ बैठ के नहीं हो सकती थी उस ज़माने में। अब तो खैर बहुत आसान हो गया डिजिटल होने से, अब फिल्म बनाने के लिए आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं, आप कहीं से कर सकते हैं बैठ के, इतना आसान हो गया है फिल्म बनाना, कंटेंट है आज, तो वो आप कहीं से भी क्रिएट कर सकते हो। उस टाइम पे वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी, आपको मुंबई आना पड़ता। तो मैं फिर आया खैर, और आने के बाद फिर यहाँ पर जो अपनी जर्नी शुरू हुई वो एक अलग चैप्टर है, एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग पूरी दुनिया है। वो शुरुआत के दिन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि शुरू के 4-5 महीने तो समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, क्योंकि वो हवा पानी चेंज हुई थी लखनऊ की मुंबई की, तो नींद बहुत आ रही थी मुझे, अब भूख बहुत लगती थी, और मैं समझ रहा था मुंबई को कि क्या है शहर ये, वो समझने मुझे 6 महीने लग गए, क्योंकि मैं कोई चीज़ बहुत ही मैकेनिकल वे में करना नहीं चाह रहा था, मैं बहुत ही ऑर्गेनिक जाना चाह रहा था कि ये मैं इस शहर को बहुत ही ऑर्गेनिक वे में समझूं,
वेरी ऑर्गेनिकली समझो उसको। तो जब मैंने देखा कि यार यहाँ सर्वाइवल सबसे पहली चीज़ है कि यहाँ अगर आपको रहना तो आपको पहले सर्वाइवल का बड़ा सोचना पड़ेगा, तो मैंने सीधा सीधा अपनी एक जॉब ढूंढी ग्राफिक डिज़ाइन की कि भाई चलो चुपचाप डिज़ाइन का जॉब पकड़ लो, फिर उसके बाद देखेंगे फिलहाल में क्या करना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक लोखंड वाला में एक एडेंसी थी तो वहाँ पे जॉब मैंने ज्वाइन कर लिया एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर। काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी सपोर्टिव लोग थे, वो काफ़ी चीज़ें वहाँ पे सेट करी, वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिला मुझे रहने का, काम करने का। जब 5-6 महीने और साल भर मुझे हो गया वहाँ पे, जब सब घर पर सेट कर लिया मैंने, सारी चीज़ें सेट हो गई, तब मैं निकला फिर अपने फिल्मी अपने उसके लिए कि चलो भाई अब क्या करना है, कहाँ किससे मिलना है, क्या है। तो जब मैं निकला तो मैंने एक चीज़ माइंड में बैठा रखी थी कि मुझे अपने आप को स्ट्रगलर नहीं कहना है, और मैं स्ट्रगलर था भी नहीं, क्योंकि एक चीज़ मुझे पता थी कि यार मेरे अंदर कुछ चीज़ें हैं बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन ये सामने वाला मानेगा तब जब आप उसको मनवाने की पोजीशन में हो जाओगे। अगर आप ऐसे बोलोगे मैं ये हूँ वो हूँ, तो वो बड़ी अजीब लगती चीज़ें, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा यार इसको माहौल वैसा बनाना पड़ेगा, मुझे वो चीज़ें सेट करनी पड़ेंगी लाइफ में अपने टर्म्स पे, बहुत ही एक अच्छे तरीके से मॉडर्स्ट वे में। तो मैंने अपने आप को फिल्म मेकर बोलना शुरू किया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने अपने आप को फिल्म मेकर बोला। मैंने ये नहीं बोला कि मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ या मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ मुझे काम दे दो, कुछ नहीं। मैंने अपने आप को सिंपल बोला कि भाई फिल्म मेकर हूँ, फिल्म बनाना चाहता हूँ, ये है। तो जो फिल्म मेकिंग का जो एक प्रोसेस था, एक जो मैकेनिज्म था, वो मैंने समझा अपने लेवल पे समझा। और एक चीज़ मेरी क्लियर थी कि मुझे किसी को असेस नहीं करना था, ये मैंने शुरू से सोच रखा था। हालांकि मेरी इस चीज़ से बहुत से लोगों ने इत्तेफाक नहीं रखा, मेरे दोस्तों ने, सबने बोला कि भाई टाइम बिंग किसी को असेस कर लो, ऐसे कैसे चलेगा। तो पता नहीं मुझे क्यों समझ नहीं आई वो चीज़ कि भाई मतलब असेस करना, क्योंकि डायरेक्शन के लिए असेस करना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी को। मतलब आप उनका पैटर्न देख रहे हो, एक डायरेक्टर का उनका अलग पैटर्न है, मेरा सोचने का तरीका अलग है, तो मैं अपना सोचने का तरीका उनके जैसे कैसे बना सकता हूँ या क्यों बनाऊँगा। हाँ मुझे मैकेनिज्म समझना था, जो टेक्निकल पार्ट है उसका, कि कैसे फिल्म बनती है, कैसे क्या उसका प्रोसेस होता है, ये मुझे समझना था। तो उसके लिए मैंने अपने आपको टाइम दिया, मैं लोगों से मिला, मैंने चीज़ें समझी, शूट्स में गया, चीज़ों को देखा समझा। तो मैंने अपने अपने स्टाइल को मैं मेंटेन करके चला कि भाई मेरा जो भी जो मुझे आता है, इतना तो मैं श्योर था, कॉन्फिडेंट था कि जो मुझे जो मैं जानता हूँ ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी वैल्यू होने वाली है, तो इसको मैं काफ़ी संभाल के चला और अपनी बाकी चीज़ों को मैं मजबूत करता रहा, जैसे टेक्निकल पार्ट हो गया और अपना नॉलेज हो गई कैसे होती है वो सारी चीज़ें, तो उन लेके मैं चला करता रहा। धीरे धीरे चीज़ें स्मूथ होती गई, आसान होती गई, मतलब काम मिलने के आसार दिखने लगे, चीज़ें मेरे हिसाब से सेट होने लगी। तो इस तरह से चीज़ें सेट हुई, मतलब 10-15 साल जस्ट टाइम जो लगा उसमें चीज़ें काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो गई, आसान हो गई। एक फिल्म की डिज़ाइन हुई थी, मेरे एक दोस्त हैं तो उन्होंने मुझे एक फिल्म का ऑफ़र दिया, बोले कि इस फिल्म का पोस्टर डिज़ाइन करना है। तो क्योंकि उस टाइम में मैं काम वही करता था और अभी भी वही करता हूँ, बेसिक काम है मेरा, तो वो काम बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। और मेरे पास कोई सेटअप नहीं था उस टाइम पे, मैं जॉब करता था। तो अब वो जॉब वो काम करने के लिए मुझे कंप्यूटर सेटअप चाहिए था, तो मैं मार्केट में करा नहीं सकता था, तो मुझे वो ऑफिस में ही करना था। तो रोज़ का मैं आधा घंटा मैनेजर से लेता था कि मुझे ये आधे घंटे टाइम दे दीजिए, मुझे ये काम करना है, ये मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ फिल्म का डिज़ाइन का। तो खैर वो मुझे हुआ, टाइम उन्होंने दिया, मैंने वो डिज़ाइन कंप्लीट करी और उसका मुझे 5,000 रुपये मिला था। तो बड़ा बड़ी खुशी हुई थी मुझे कि फिल्मी क्रिएटिव काम की मुझे कीमत मिली है जो मैं चाहता था, तो बड़ा अच्छा लगा। चलो भाई एक काम मिला है, उसकी कीमत मेरी अचीवमेंट फील हुआ था। ये मेरी मुंबई में पहली कमाई थी जो लखनऊ से आने बाद मैंने करी थी। सैलरी अलग थी, जॉब अलग था, लेकिन जो एज अ फ्रीलांसर जो काम था कि भाई हमें ये काम करना था, ये मतलब डिज़ाइन जो थी उसका काम, कीमत मुझे पहली बार मिली थी, तो बड़ा अच्छा लगा था मुझे। For Bollywood news update, please subscribe our YouTube channel Bollywood Dangal, and please don't forget to press